नमस्कार, स्वागत છે આપનું મોર્નિંગ 100 માં. આપની સાથે હું છું પ્રિયંકા. ગુજરાતની તમામ શાળાઓ બંધ કરવાના આદેશ. ધોરણ 1 થી 9 સુધીની શાળા બંધ કરવાના આદેશ. 5 એપ્રિલ થી તમામ શાળાઓ બંધ કરવાનો આદેશ. નવી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી શાળાઓ રહેશે બંધ. રાજ્યમાં કોરોના વધતા ફરજિયાત માસ્કની અમલવારીનો ડીજીપીનો આદેશ. માસ્ક નહીં પહેરનારને રૂપિયા 1000 નો દંડ. તમામ જિલ્લામાં કરાશે કડક કાર્યવાહી. राज्य सरकार की एयरलाइंस कंपनी ने सूचना. प्रवासी पास मांगो आरटीपीसीआर टेस्ट. रिपोर्ट न हो तो एयरपोर्ट पर टेस्ट कराशे. टेस्ट माटे खर्च पोते भोगवो पड़े. प्रवासी ने एयरपोर्ट पर ज रहेवू पड़े. नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा आ वर्षे नहीं योजाई. तंत्रए कोरोना ना केस वधता परिक्रमा रद्द करवानो निर्णय कर्यो. 12 एप्रिल थी नर्मदा नदी की उत्तर वाहिनी परिक्रमा शुरू थवानी हती. कोरोना ना केस वधता लेवायो निर्णय तो श्रद्धाळुओं में नाराज. अमदावाद में पॉप्युलर बिल्डर ना छगन पटेले राजपथ क्लब की मेंबरशिप गिरवे मुकता मामलो बीचक्यो. 5.5 लाख उधार लेने क्लब की मेंबरशिप गिरवे मुकता तेमनी विरुद्ध पगला लेवानी मांग. वलसाड में वधता जता संक्रमण ने रोकवा माटे वेपारी मंडल और तंत्र नो निर्णय. सवारना 8 थी सांजे 8 वाग्या सुधी दुकानों और वेपार धंधा बंद रहेशे. खेड़ाना वड़ताल मंदिरे सोमवार थी भोजनालय और उतारा बंद. 5 एप्रिल थी 15 एप्रिल सुधी भोजनालय और उतारा बंद रहेशे. साथे सोशियल डिस्टन्स साथे दर्शन करी शकाशे. अमरेली में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस साम सामे रसीकरण कार्यक्रम में पुलिस अवरोध उभो करती होवानो आक्षेप. पुलिस भाजपा बे कार्यकर्ताओं ने मार मारता मामलो भिचक्यो. बनासकांठा पहुंचेला गुजरात प्रदेश भाजप युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रशांत कोराट नु निवेदन. कहू के राकेश टिकैत गुजरात की शांति दोहड़वा आवी रहा छे. गुजरात बीजेपी युवा मोर्चा ना प्रदेश प्रमुखे कर्या मां अंबाना दर्शन. अंबाजी मां माताजी नी गादी पर जईने रक्षा पोटली पण बंधावी. नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख प्रशांत कोराट नु भव्य स्वागत पण करायुं. अमदावाद ना पांजरापोळ मां आवेल केक शॉप मां चोरी नी घटना. पोलीसे सीसीटीवी ना आधारे एक व्यक्ति नी धरपकड़ करी. पैसा नी जरूरियात ने कारणे युवक धवले केक शॉप मां केक तथा चॉकलेट नी चोरी करी हती. आरोपी धवल अगाउ पण चोरी ना केस मां जेलवास भोगवी चुक्यो छे. रोजगारी न मळता चोरी ना रवाडे चढ्यो होवानुं पोलीस तपास मां सामे आव्युं. वडोदराना पादरा करजण हाईवे पर सरसवणी गाम नजीक अकस्मात कार चालके स्टीयरिंग पर काबू गुमावता झाड साथे अथड़ाई. कार में सवार महिला और पुरुष नु मौत. बाळक नो आबाद बचाव त्यारे अन्य एक बाळक ने गंभीर इजाओ पहुंची. बनासकांठाना डीसा पाटण हाईवे पर अकस्मात इको गाड़ी और बाइक वच्चे अकस्मात थता एक नु मौत एक ने इजा. अकस्मात में बाइक चालक नी घटना स्थले ज मौत. लाश ने पीएम अर्थे डीसा सिविल खसेड़ाई. द्वारकाना खंभाड़िया नजीक हरिपरवाड़ी विस्तार खेतरों में आग लागी. वीज पोल ना वायर में स्पार्क थता तणखा घास पर पड़ता आग लागी. 6 થી 7 વીઘા में रहेल घासचारो बढ़ीने खाक थयो. देश में 24 कलाक में कोरोना 89,129 नवा केस नोंधाया. कोरोना थी 24 कलाक में 714 दर्दीओए जीव गुमाव्यो. देश में अत्यार सुधी में 1,15,69,000 थी वधु लोग स्वस्थ थया. महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट. छेल्ला 24 कलाक में 47,913 नवा केस नोंधाया तो 481 लोगना मौत थया. ज्यारे अत्यार सुधी में 24 लाख थी वधु लोग स्वस्थ थया. मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट. छत्तीसगढ़ में 24 कलाक में 4,174 केस और 43 लोगों की मौत तो मध्यप्रदेश में 2,777 नवा दर्दी नोंधाया और 16 लोगों की मौत निपजा. विश्व में कोरोना वायरस 13 करोड़ 13 लाख की वधु केस. 28,58,000 की वधु लोगों की मौत. 10 करोड़ 57 लाख की वधु लोग थया रिकवर. अमेरिका में कोरोना वायरस 3 करोड़ 13 लाख की वधु केस. 5,68,000 की वधु लोगों की मौत. 2,38,94,000 की वधु लोगों कोरोना ने आपी मात. ब्राजील में कोरोना वायरस कुल 1,29,00,000 की वधु केस. 3,30,000 की वधु लोगों की मौत. 1,13,00,000 की वधु लोगों थया रिकवर. फ्रांस में कोरोना 47,41,000 की वधु केस. 96,493 लोगों की मौत. 2,97,000 की वधु लोग रिकवर थया. रशिया में कोरोना वायरस 45,72,000 की वधु केस. कोरोना ने कारण 1,00,000 की वधु लोगों की मौत निपजा. 41,95,000 की वधु लोगों कोरोना ने मात आपी. ब्रिटेन में कोरोना 43,57,000 की वधु केस. 1,26,000 की वधु लोगों की मौत. 38,88,000 की वधु लोग रिकवर थया. गुजरात में कोरोना वायरसे मचाव्यो हाहाकार. छेल्ला 24 कलाक में कोरोना नवा 2,815 केस नोंधाया. वधु 13 दर्दी ना मौत थया तो 2,063 दर्दी स्वस्थ थया. राज्य में हाल 14,298 एक्टिव केस. 161 दर्दी वेंटिलेटर पर जयरे 14,137 दर्दी हालत स्थिर.
सूरत जिला में कोरोना थयो बेकाबू। सूरत जिला में 687 केस नोंधाया। 5 दर्दी मौत निपजा। 24 कलाक में सूरत शहर में 526, जारे जिला में 161 दर्दी कोरोना पॉजिटिव। अमदावाद जिला में कोरोना बॉम्ब फूट्यो। 24 कलाक में अमदावाद जिला में 659 दर्दी कोरोना थी ग्रस्त थया। वधु 4 दर्दी मौत निपजा। मात्र अमदावाद शहर में नोंधाया 646 केस। राजकोट और वडोदरा में कोरोना कहर वध्यो। वडोदरा जिला में नवा 384 केस नोंधाया। 1 दर्दी मौत निपजू। तो राजकोट जिला में 24 कलाक में नवा 277 केस नोंधाया। वडोदरा में कोरोना की स्थिति बगड़ता नीतिन पटेले वडोदरा की स्थिति की समीक्षा की। वडोदरा में नवा 4 कोविड सेंटर तैयार कराशे। धन्वंतरी रथ की 200 टीम कार्यरत थशे। खोटी रीते बेड रोकशे तो एपिडेमिक अंतर्गत कार्यवाही कराशे। कोरोना वधता केस ने लईने बोल्या नीतिन पटेल। गुजरात में 10 दिवस में केस सतत वध्या। 4 महानगरों में कोरोना केस वध्या। बीजी लहर नु संक्रमण झड़पथी फैलायु। वडोदरा में डेप्यूटी सीएम नीतिन पटेल नु मोटू निवेदन। राज्य में हाल लॉकडाउन की कोई विचारणा नहीं। लॉकडाउन करव पड़े तेवी स्थिति नहीं। लोग नियमों नु पालन करे तो लॉकडाउन की जरूर नहीं। वडोदरा में आरटीपीसीआर टेस्ट माटे वेटिंग। खानगी लैब में टेस्ट माटे 3 दिवस नु वेटिंग। केटलीक लैबवाळाओए टेस्ट करवानु पण बंद कर्युं। राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा कोरोना पॉजिटिव। कोरोना ना लक्षण जणाता टेस्ट करवामां आव्यो। डॉक्टर की सलाह बाद सारवार माटे हॉस्पिटल में दाखल। कोरोना की नवी पीक में तबीबो सपड़ाया। अमदावाद सिविल में 12 डॉक्टर्स ने कोरोना। दर्दियों की सेवा करता तबीबो आया भरडा में। 5 डॉक्टर सिविल होस्पिटल में सारवार हेठ। अमदावाद सिविल होस्पिटल में अत्यार सुधी में 534 मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव थयो छे। जेमांथी अत्यार सुधी में 4 लोकोना मौत थया छे। अमदावाद मेट्रो कोर्ट में कोरोना विस्फोट। मेट्रो कोर्ट में जज सहित 15 लोगों ने कोरोना। जस्टिस ए वाई दवे, जज एम वाई राधापुरवाला कोरोना संक्रमित थया। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी कोरोना ना भरडा में। यूनिवर्सिटी ना बिल्डिंग में महिला कर्मी ने पॉजिटिव। हाल यूनिट बिल्डिंग 3 दिवस माटे बंद राखवामां आव्युं। यूनिवर्सिटी ना कर्मीओ थई रह्या छे संक्रमित। अमदावादथी अत्यार सुधीना सौथी मोटा समाचार। अमदावादनी तमाम खानगी होस्पिटल फूल थई। सीनियर तबीब डॉक्टर आर के मैदानतनु निवेदन। 25 मार्च बाद कोरोना दर्दीओ वध्या। आगामी दिवसों की स्थिति अंगे बोल्या तबीब। वेंटिलेटर की जरूरवाला दर्दीओ वधशे। खानगी होस्पिटल में वेटिंग चालू। रेमडेसिविर इंजेक्शन हाल नथी मळी रह्या। कोरोना काल में पूर्व एमएलए लक्ष्मण पटेल रजड़ा। हॉस्पिटल में बेड खाली न होवाथी रजड़ा। एमएलए ने कोरोना थता सूरत खसेड़वामां आव्या। सूरत में पूर्व एमएलए ने बेड न मळ्यो खाली। सूरत में बेड खाली न मळता पूर्व एमएलए ने फरी नवसारी रेफर करवामां आव्या। नवसारी सिविल होस्पिटल में सारवार शुरू कराई। पूर्व एमएलए हाल वेंटिलेटर पर। धोराजी में कोरोना कहर वध्यो। 24 कलाक में नवा 46 केस नोंधाया। वहीवटतंत्रए लोग ने अपील करी सोशियल डिस्टन्स और मास्क पहेरवा अपील करी। મહેસાણાની એસબીઆઈ બેંકમાં કોરોના સંક્રમણ ફેલાયું। બેંકના 2 કર્મચારીઓ કોરોના સંક્રમિત થયા। કોરોના ફેલાતા એસબીઆઈ બેંક બંધ કરાઈ। સાબરકાંઠામાં કોરોનાનો વધતો કહેર। 24 કલાકમાં 17 કેસ પોઝિટિવ નીકળ્યા। હિંમતનગર ડીવાયએસપીને કોરોના થયા। ડીઆઈએસપી થયા હોમ ક્વોરન્ટીન। કચેરીના સ્ટાફના કરાયા રેપિડ ટેસ્ટ। પંચમહાલા શહેર નગરપાલિકાના ક્લાર્કનું કોરોનાથી અવસાન થયું। કચેરીના વેરા વસૂલાત વિભાગમાં હતા કાર્યરત। ટૂંકી સારવાર બાદ હોસ્પિટલમાં થયું મોત। दिल्ली कैपिटल्स ने टूर्नामेंट शुरू थाय ते पहला जोरदार झटको लाग्यो। टीम ना ऑलराउंडर अक्षर पटेल कोरोना पॉजिटिव थया। फूड एंड ड्रग्स कमिश्नर डॉक्टर एच जी कोशियानु निवेदन। कहूं आरोग्य और परिवार कल्याण विभाग अग्र सचिव ने देखरेख हेठ इंजेक्शन जत्थो उपलब्ध करावामां आव्यो। गुजरात राज्य तमाम जिलाओं में दवा मार्केट और प्राइवेट होस्पिटल में इंजेक्शन आपवामां आव्या। 13,860 इंजेक्शन जत्थो उपलब्ध करावायो। इंजेक्शन बिनजरूरी उपयोग करीशुं तो अछत सर्जाशे। अमदावाद में 5,478 इंजेक्शन। वडोदरा में 2,290। सूरत में 1,852 इंजेक्शन। राजकोट में 216 इंजेक्शन। महसाणा में 414 इंजेक्शन वितरण। आ उपरांत कुल 32,965 इंजेक्शन जत्थो जुदा जुदा जिलाओं में वितरण कराशे। हवे ग्राम्य विस्तार में कोरोना केस वधी रहा है। कांग्रेस धारासभ्य ललित वसोयाए आरोग्य विभाग सामे आंकड़ा छुपावानो आक्षेप कर्यो। गामडाओं में कोरोना टेस्ट की कामगीरी एक ज स्थळे थती होवाथी कलाकों सुधी लोग बेसी रहे छे लाइन में। धोराजी में धन्वंतरी रथ और आरोग्य कर्मियों की ओछी संख्या ने कारण मुश्किल वधी। धोराजी तालुका हेल्थ ऑफिसरे आरोग्य विभाग की कामगीरी बाबत पर उठावेल सवाल ने नकारी काढ़ा। आरोग्य अधिकारी आक्षेपों ने फगावता कहूं कि ग्राम्य विस्तार में रोज 300 जेटला लोगों कोरोना टेस्टिंग कराए। धोराजी में कुल 7 जगह कोरोना टेस्ट की कामगीरी चालू। मोरबी में कोरोना संक्रमण वधता तंत्र हरकत में। सचिव
मनीषा चंद्राए मोरबी की मुलाकात लीधी। जिला कलेक्टर, जिला पुलिस वड़ा, जिला आरोग्य अधिकारी और वहीवटतंत्र अधिकारी साथ बैठक की। कोरोना ना केस वधता तमाम होस्पिटल फूल थता तंत्रए व्यवस्था करी। आज की बीजी 1000 बेड की व्यवस्था करवामां आवी। अगाउ 150 बेड की कराई थी व्यवस्था। राजकोट में कोरोना ना वधु 13 दर्दियों ना मौत निपजा। रामनाथपुरा स्मशान में कोरोना मृतकों ना अंतिम संस्कार, जारे स्मशान में अंतिम संस्कार माटे वेटिंग जोवा मळ्युं। जामनगरमां कोरोनाथी मार्केटिंग यार्डना डायरेक्टरनुं मौत। भगवान भाई धमसाणियानुं कोरोनाथी मौत निपजे। मृत्यु निपजता यार्डनी हराजीनुं कामकाज बंद। आणंदना बोरसदमां आज जनता कर्फ्यू। वेपारीओ अने पालिका तंत्र साथे पोलीस तंत्र वच्चे सहमति साधी निर्णय लेवामां आव्यो। रोज रात्रे 9 थी सवारे 5 वाग्या सुधी तमाम दुकानो बंध रहेशे। साबरकांठाना हिम्मतनगरना काणियोल गाममां लॉकडाउन। काणियोल गाममां स्वैच्छिक लॉकडाउन, फक्त सवारे अने सांजे 2 कलाक दुकानो खोलवामां आवशे। 7 दिवस माटे स्वैच्छिक लॉकडाउन जाहेर करायुं। ઉના ફતેપુરાના બલૈયામાં કોરોનાના કેસ વધ્યા। ગામમાં 6 દિવસ સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન જાહેર કરાયું। 6 દિવસ સવારે 7 થી 10 વાગ્યા સુધી દુકાનો ખુલ્લી રહેશે। નિયમ તોડનારને 1000 રૂપિયાના દંડનો નિર્ણય। આણંદમાં પેટલાદના કોઠાવી ગામમાં સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન। કોરોનાના કેસ વધતા સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન। જિલ્લામાં કુલ 4 ગામોમાં લોકડાઉનનો નિર્ણય। 17 એપ્રિલ સુધી સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન, સવારે સાંજે 2 કલાક જ દુકાનો ખુલ્લી રહેશે। અમદાવાદના સાયન્સ સિટી ખાતે રસીકરણ માટે લાંબી લાઇન લાગેલી જોવા મળી। 45 વર્ષ ઉપરના અને સિનિયર સિટીઝન રસી માટે આવ્યા। રસીકરણને લઈ લોકોમાં ઉત્સાહ। નર્મદાના 45 વર્ષથી વધુની વયના લોકોને રસીકરણની કામગીરીનો પ્રારંભ। ભારે સંખ્યામાં લોકોએ રસી લીધી। રાજપીપળામાં રસીકરણ સાથે સેનેટાઇઝેશનની પ્રક્રિયા પણ હાથ ધરાઈ। નર્મદા જિલ્લામાં કોરોનાનું સંક્રમણ રોકવા માટે પોલીસ અને આરોગ્ય વિભાગની કામગીરી। જે દુકાનદારોએ માસ્ક ન પહેર્યું હોય તેવા લોકો પાસેથી દંડ વસૂલાયો। 1 દિવસમાં 30 લોકો પાસેથી 30,000નો દંડ વસૂલાયો। મોરબીમાં ફ્રી વેક્સિનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। જૈન સમાજ દ્વારા કેમ્પનું આયોજન કરાયું। 45 વર્ષથી વધુની ઉંમરના લોકોને રસીકરણ। 600 લોકોએ રસીકરણનો લાભ લીધો। ભારત બાયોટેકની કોવેક્સિનના 3જા ડોઝને મંજૂરી। બીજા ડોઝના 6 મહિના બાદ લેવાનો રહેશે બુસ્ટર ડોઝ। નવા સ્ટ્રેન મ્યુટેશનની સામે પણ રક્ષણ મળશે। 3જો ડોઝ લેવાથી શરીરની ઇમ્યુનિટી વર્ષો સુધી વધશે। મોરબીમાં છેલ્લા 10 દિવસમાં 170થી વધુ કોરોનાના કેસ। કોવિડ કેર સેન્ટર શરૂ કરીને 500 બેડની સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી તો 195 બેડની સુવિધામાં 80 બેડ ખાલી, જ્યારે હાલ 2 દર્દીઓ વેન્ટિલેટર પર। છોટાઉદેપુરના બોડેલીના મોડાસર ચોકડી પાસે લક્ઝરી અને હાઇડ્રો ક્રેન વચ્ચે અકસ્માત। રિવર્સ લઈ રહેલા હાઇડ્રોની ક્વાંટ તરફથી આવતી લક્ઝરી સાથે અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં 3 મુસાફરોને ઇજા થતા સારવાર હેઠળ ખસેડાયા। કોરોના વચ્ચે છોટાઉદેપુર ડીવાયએસપીની બર્થડેની ઉજવણી કરવામાં આવી। સરકારી કચેરીમાં જ ઉજવણી કરવામાં આવી। ડીવાયએસપી એવી કાટકડની જન્મદિવસની ઉજવણીમાં સહકર્મીઓ અને અધિકારીઓ જોડાયા। જન્મદિવસની ઉજવણીમાં અધિકારીઓ કોરોનાના નિયમો ભૂલ્યા। ડીવાયએસપી અને એલસીબી પીઆઈ પણ પાર્ટીમાં હાજર। કોરોના નિયમોને પોતે જ અધિકારીઓએ નેવે મૂક્યા। અમદાવાદમાં જીમ સંચાલકોની માંગ। જીમ સંચાલકોએ એએમસીને રજૂઆત કરી। જીમ સંચાલકોનો મોટો આક્ષેપ, એએમસી સીટીના જાહેરનામામાં સંકલનનો અભાવ। અમદાવાદ શહેરમાં જીમ બંધ રહેતા નારાજગી વ્યક્ત કરવામાં આવી। એએમસી કમિશનર મુકેશકુમારનો ખુલાસો, શહેરના તમામ જીમ બંધ રહેશે, નવો આદેશ ન થાય ત્યાં સુધી જીમ બંધ રહેશે। અખિલ ગુજરાત પ્રવાસી વાહન સંચાલક મહામંડળની માંગ। વારંવાર ટ્રાવેલ્સના ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરમાં આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ અયોગ્ય, જેના બદલે બોર્ડર પર રેપિડ ટેસ્ટની માંગ કરવામાં આવી। સાથે જ દરેક પેસેન્જરના ટેસ્ટ જોવા માટે ટ્રાવેલ્સ માટે શક્ય નથી। નડિયાદમાં 9 વાગ્યા પછી રેસ્ટોરન્ટ બંધ કરાવતી પોલીસ સામે રેસ્ટોરન્ટ સંચાલકોનો વિરોધ। રેસ્ટોરન્ટ સંચાલકોએ અધિક કલેક્ટરને આપ્યું આવેદનપત્ર। રાત્રે 10:30 વાગ્યા સુધી રેસ્ટોરન્ટ ચાલુ રાખવાની માંગ કરી। વેપારીઓ સામે આરોગ્ય વિભાગે મોટું ફરમાન જાહેર કર્યું। આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ ન કરાવ્યા હોય અને કોરોના વિરોધી રસી ન લીધી હોય તેમને ધંધો નહીં કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો। નર્મદા આરોગ્ય વિભાગે કર્યું ફરમાન। નર્મદા આરોગ્ય વિભાગે રિક્ષા દ્વારા માઇક પર સૂચના આપી કોરોનાને કાબૂમાં લેવા માટે। રાજપીપળાના વેપારીઓએ સ્વયંભૂ બજાર બંધ રાખવાનો સ્વૈચ્છિક નિર્ણય કર્યો, તેમ છતાં આરોગ્ય વિભાગના આ નિર્ણયથી વેપારીઓમાં રોષ જોવા મળ્યો। રાજ્યમાં કોરોનાનો કહેર, આ દરમિયાન 1 વર્ષમાં તંત્રની કામગીરી પણ બદલાઈ। અગાઉ 90 હોસ્પિટલ્સની સાથે એમઓયુ કરવામાં આવ્યા હતા, હાલ કેસ વધ્યા તે પહેલા એમઓયુ થયા છે રદ। હવે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ માટે સરકારી હોસ્પિટલ જ વિકલ્પ। કેટલાક શહેરમાં સરકારી હોસ્પિટલ ફૂલ છે, ખાનગી હોસ્પિટલમાં ફ્રી બેડ પણ ગાયબ થયા, તો ખાનગી હોસ્પિટલમાં ઊંચા ચાર્જ છે। મોરબી પોલીસે લોકોને માસ્ક વિતરણ કરવામાં આવ્યું, દંડ આપવાને બદલે માસ્કનું વિતરણ કરાયું। માસ્ક આપી કોરોનાના નિયમોનું પાલન કરવા અપીલ કરી।
छोटाउदेपुर पावी जेतपुर सरपंच उतरिया मैदान में कोरोना संक्रमण की सावचेती राखवा मास्क पहेरवानी अपील करी, साथ 20,000 मास्क वितरण पण कर्यु। साबरकांठा हिम्मतनगर स्मशान गृह में घोर बेदरकारी, हिम्मतनगर पालिका संचालित स्मशान गृह में पीपीई किट और मास्क आड़ेधड़ फेंकाया, अंतिम संस्कार बाद किट और मास्क नो निकाल नहीं, मृतदेह की साथ आवेलो सामान फेंकी देवायो। रसीकरण तेज बनावा माटे नवतर प्रयोग, हवे घर आंगणे लोकोने रसी आपवामां आवशे, रसीकरण वधारी जागृति लावानो प्रयास। राज्य में फरजियात मास्क की कड़क अमलवारी आदेश, पुलिस कमिश्नर और जिला पुलिस वड़ा ने डीजीपीए सूचना आपी, मास्क न पहेरनार ने रूपया 1,000 नो दंड कराशे। गांधीनगर महानगरपालिका की चूंटनी ने लई भाजप नहीं योजे प्रचार सभा के सम्मेलन, वत्ता कोरोना संक्रमण ने लई प्रदेश भाजपे कर्यो निर्णय। वेलकम बैक। राजकोट में फरी सींगतेल भाव में वधारो, सींगतेल कपासिया तेल भाव में वधारो, सींगतेल डब्बे 10 वधीने 2,175 रूपया थया, कपासिया तेल डब्बे 30 वधीने 2,140 रूपया थया। दक्षिण गुजरात की तमाम शुगर मिलों जाहिर करशे टन दीठ भाव, गत वर्ष करता शेरडी भाव नीचा रहेवानी शक्यता, गत वर्ष करता टन दीठ 300-400 रूपया ओछो भाव आवानी संभावना। अमदावादना एरपोर्ट पर पार्किंग ना नवा दर अमली, 5 मिनिट माटे एरपोर्ट पर पार्किंग फ्री रखायू हतू, जेनो विरोध उठता हवे 10 मिनिट माटे पार्किंग फ्री राखवानो निर्णय करायो। पाकिस्तान थी भटकेलो बाळक भारतीय सीमा में दाखल थयो, जेने बीएसएफे कायदाकीय कार्यवाही करीने पाकिस्तान रेन्जर्स ने परत सौंप्यो, राजस्थान बाड़मेर पास भारतीय सीमा बाळक घुसी आव्यो हतो। बाळक पाकिस्तान सोमराव गामनो होवानुं खुल्युं अने रस्तो भूली जवाथी ते भारतीय सीमा घुसी आव्यो हतो, बीएसएफ ना जवानोए बाळक ने भोजन आपी पाकिस्तान रेन्जर्स साथे मीटिंग योजीने सौंप्यो हतो। जेतपुरना सामाकाठा विस्तार की महिलाओं नगरपालिकाए पहुंची, रोड रस्ता और साफ सफाई जेवी प्राथमिक सुविधाओं अभाव ने लईने रेली काढ़ी, नगरपालिका चीफ ऑफिसर ने आप्यो आवेदनपत्र। गरमीथी शेकावा माटे रहेजो तैयार, आगामी 24 कलाक में सौराष्ट्र और कच्छ में हीटवेव की हवामान विभाग की आगाही। नलिया टेकाना भावे घऊ की खरीदी शुरू, हजू सुधी खेडूतों पास थी 5,000 घऊ कट्टा की खरीदी कराई, 120 जिला खेडूतों ने घऊ की खरीदी करने बोलावाया। गोंडल मार्केटयार्ड में केसर केरी आगमन, केसर केरी 10 दिवस पहला आगमन, कंटाड़ा जसादार उना की केसर केरी, यार्ड में तलाला विस्तार की केसर केरी आगमन, यार्ड में केसर केरी की हराजी शुरू, 10 किलो बॉक्स भाव 800-1400 रूपया। नर्मदा डेमनी सपाटी में घटाड़ो, डेमनी हाली सपाटी 125.18 मीटर थी, डेम में पानी की आवक 19,870 क्यूसेक थी, तो डेम में पानी की जावक 21,302 क्यूसेक थी, आवक सामे जावक वधु होवाथी सपाटी घटी, मध्यप्रदेश डेम ना पावर हाउस शुरू, द्वारका सानी डेम ने तोड़वानी कामगिरी शुरू कराई, 110 गामों ने सिंचाई पानी पूरू पाड़ता सानी डेम ने हवे नवो बनावाई रह्यो छे, जेनुं काम 2022 में पूर्ण थवानी शक्यता। सानी डेम न बने त्यां सुधी कल्याणपुर तेमज ओखाना 110 गामों ने नर्मदाना पानी पर निर्भर रहेवू पड़शे। भावनगर में सुजलाम सुफलाम योजना की शुरुआत, तबक्कावार कामगिरी ने माटे झुंबेश की शुरुआत, पहला तबक्का में 929 अरजदारों की अरजी आई, छेल्ला 3 वर्ष में योजना थकी अनेक फायदाओ थया। राज्य सरकार दर वर्षे चौमासा पहला आ योजना की शुरुआत करे छे, जेथी वरसादी पानी संग्रह कर सकाय, तेमज भूगर्भ जल संचय कर वधु प्रमाण में जल संग्रह थई शके। आ योजना अंतर्गत तळावो ऊंडा करवा, तळावोना ओवारा साफ करवा, हयात चेकडेमनू डीसिल्टिंग करवू तो नदी नाळानी सफाई करवी जेवी कामगिरी हाथ धराय छे। छेल्ला 3 वर्ष में योजना ने सफल रीते पूर्ण करवामां आवी, कुल 269 चेकडेम तथा 526 तळावो ऊंडा करवामां आव्या, वर्ष 2020 में 94.21 करोड़ लीटर पाणीनो संग्रह शक्ति में वधारो थयो हतो। पाटण में 1 सप्ताह बाद खुल्या मार्केटयार्ड, जणसी की आवक में निरसता देखाई, साथ पोषणक्षम भावो न मळता खेडूतों में कछवाड़ जोवा मळ्यो। अरवलीना मेघरजना पटेल ढूंढा गामे तळाव में बेसी खेडूतोए रामधून बोलावी, सिंचाई माटे तळावों में पानी न अपाता खेडूतो रोषे भराया, तळाव में पानी नहीं तो आखू गाम भूख हड़ताल पर उतरे तेवी चीमकी। पाटण यूनिवर्सिटी में पास करवाना कथित कौभाड़ी गरमावो, एनएसयूआईए कुलपति राजीनामा की मांग साथ देखाव करता यूनिवर्सिटी पुलिस छावणी में फेरवाई। दीवना सिमरपोर्ट पर गैरकायदे बांधकाम हटावा की कामगिरी, त्यां रहता 500 लोगों ने दीव तंत्रए नोटिस आपी थी, स्थानिकोए कामगिरी अटकावी। भावनगर महानगरपालिका द्वारा मेगा डिमोलिशन हाथ धरायू, चरचलियापरा विस्तार में 20 दबाणों दूर करोड़ों रूपया की सरकारी जमीन पर कब्जो करायो हतो। राजपीपा की जनता विविध प्रश्नों हवे मोबाइल पर ज निकाल करना, पालिकाए विविध हेल्पलाइन नंबर जाहिर कर, आ सेवा रजा दिवसों सीवाय चालू रहें।
भरूच जिला आमोद तालुका में आरोग्य केन्द्र में तबीब न होवाथी लोकोने हालाकी। पीएचसी सेंटर में लोग जाते ज पाटापिंडी करने मजबूर बन्या। गीर सोमनाथ में हिंदू युवा संगठन जिला अध्यक्ष अमरनाथ उपवास पर बैसे ते पहला ज पुलिस अटकायत करी। गौवंश की हत्या और तस्करी करता आरोपियों की सामे गुड्स स्टॉक हेठ गुनो नोंधवानी मांग साथ उपवास करवाना हता। उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी की पीजी की परीक्षा स्थगित कर 8 एप्रिल रोज लेवानी हती परीक्षा। ऑनलाइन सर्वर में खामी थवाने कारण परीक्षा स्थगित। यूनिवर्सिटी की 16 जेटली परीक्षा स्थगित। गढ़ा गोपीनाथ जी टेम्पल बोर्ड की आज बैठक योजाशे। बैठक में विविध एजेंडा पर चर्चा कर आज 11 कलाके योजाशे बैठक। मॉर्निंग 100 में अत्यारे बस आटलू ज। आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती। नमस्कार।